बोलिए हारी के सहारे की, बोलिए सच्ची सरकार की, बोलिए तीन बाण धारी, बोलिए लाज बचाने, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री। अच्छा, और जो हाथ नहीं उठा रहे वो हाथ किराए पर लेके आए हैं। हाँ, सबके खुद के हाथ हैं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री श्याम। एक बार बुलंद आवाज में और जयकार बोल बालाजी महाराज की, क्योंकि जहाँ बालाजी महाराज को सबसे पहले मनाया जाता है वहाँ से सारे दुख संकट सारी बाधाएं अपने आप अपना रास्ता मोड़ लेती हैं। तो आइए एक छोटा सा संकीर्तन बालाजी महाराज के चरणों में सभी अपने मुख से गाएगा कीर्तन को, सभी मिलकर कहने लगे क्या। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन, ये बात राम नाम रसियो रे प्रभु मन। किस किस को ये नाम लेने में आनंद मिलता है, किसका जीवन बाबा के भरोसे चलता है, उठाएगा और पूरे पूरे हाथ और मिलके गाना वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बल कर सकती है। एक बार और कोशिश कीजिएगा, जो कोई आवे अर्जी लगावे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, बसियो रे।
करेगा, क्योंकि इतना विश्वास है अगर इसके नाम की माला जपोगे तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। बजरंग वाला जपो थारी माला, बजरंग वाला जपो थारी माला, संकट हरियो पड़ता है। किसी अफसर से मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, और उसी तरह मेरे बाबा से मिलने से पहले वीर हनुमान से जब खाटू जाते हैं तो मेहंदीपुर धाम पहले पड़ता है। सभी मिलके जाते हैं ना बालाजी महाराज से। अब यहाँ पर भी सबसे पहले बालाजी महाराज के चरणों से आज्ञा लेंगे, उसके बाद बाबा श्याम के पास चलेंगे। एक बार उठाओ पूरे पूरे हाथ, दोनों हाथ ऊपर, जिसको जितने जितने हाथ दिए ऊंचे ऊंचे उतने ऊंचे ऊंचे हाथ हो सबके, और मिलके कस के ताली लगे एक साथ सबकी। ये एक दो, ये एक दो तीन चार। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। हेलो हेलो, बोलो बोलो प्रेमियों, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो 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 प्रेमियों, श्याम बाबा की जय, बोलो हमारा, अरे जिसका साथ निभाता बाबा,
और जिनकी कमर में तकलीफ है, जो दरबार में बैठने में असमर्थ है, वो कुर्सियों पर बैठे, और जो बाबा की कृपा से अभी तक एकदम सही सलामत है वो यहाँ दरबार में आके बैठे। हाँ, जो अपनी कमर से पैरों से एकदम सही सलामत है वो दरबार में आके विराजमान हो जाइए, और जो पीछे खड़े हैं वो भी सारे आके दरबार में आगे आइए, जो पीछे खड़े हैं सारे। हाँ, आप सबसे ही बोल रहे हैं भैया। हाँ, आइए सारे आगे आइए दरबार में, ऐसे खड़े मत रहिए दरबार में। हाँ, इन्हीं सबसे बोल रहे हैं भैया, चुनाव पे खड़े होने आए हैं। अच्छा, बैठना सबको कुर्सियों पर ही। हाँ, क्योंकि कुर्सी होती ऐसी चीज है, एक बार मिल जाए तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ, लेकिन देखो ये कहते भी हैं और ये है भी बात कि जो कुर्सी पे बैठते हैं वो चौकीदार कहलाते हैं और जो जमीन पर बैठते हैं वो जमीन। हाँ, और इसके दरबार में, इसकी चौखट से, इसके चरणों में जितना निकट रहोगे उतना ही आनंद है। ये कुर्सी सोफे हमें घर पे भी मिलते हैं, आराम से बैठते हैं, कोई टोकने वाला नहीं होता आप यहाँ क्यों बैठे हो, लेकिन तीन लोग का मालिक आया है और इसके सामने हम खुद सिंहासन लगा के बैठे रहेंगे तो ये भी तो सोचेगा वाह भाई वाह, हमसे बड़े तो आप ही हैं, है ना। तो जिनको परेशानी है वो बैठे, अभी तक मतलब सबको ही परेशानी है, ऐसे चुपके हुए हैं कुर्सी से जैसे कभी छोड़नी नहीं है। सभी लोग यहाँ दरबार में आइए, बहुत सारी जगह खाली है। हाँ, सारे आइए, जिनको तकलीफ नहीं है वो बैठिए। जो भी खंडू आ जाए वो मने छापल पाए, जो भी खाटू आ जाए वो मने छापल पाए,